हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल RDS वर्ल्ड में। दोस्तों आज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में आप ये गढ़वा और पलामू का बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन है जो कि अब अंतिम चरण में है, अपने जो बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीछे में भी कितना अच्छा से इसको बनाया जा रहा है और कितना चौड़ा बनाया जा रहा है। लगभग 8.5 जो मीटर है एक लेन उसका, 8.5 मीटर का एक लेन बनाया जा रहा है। दोस्तों आप सबों को मैं बताते चलूँ कि ये जो बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन है इसका आपको टोटल काम जो है इसका 703 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, और इसे बनाने में लगभग टाइम भी 703 दिनों का समय लिया गया है। तो ये अब अंतिम चरण में ही है, लगभग 2 साल का समय लिया गया है इस बाईपास के कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। और दोस्तों आप सबों को मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं, और ये अभी इस जगह जो मैं हूँ, जो डाल्टनगंज जो पीछे में आप देख सकते हैं, डाल्टनगंज का रोड गुजरा हुआ है, गढ़वा से डाल्टनगंज का रोड। और आप सबों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो इसकी चौड़ाई है लगभग 200 फीट चौड़ाई है, जिसमें कि आपको 8 या 10 लेन निकलेंगे 8.5 मीटर का। दोस्तों मैं आप सबों को बता दूँ कि ये जो बाईपास है इसका जो बनाया जा रहा है, लेयर पे लेयर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें जो कालीकरण हुआ है अभी मोटा गट्टी से हुआ है, फिर भी इतना स्मूथ गाड़ी चलता है, पूरा लेवल में है। और इस पे अभी 2-3 लेयर और आएंगे जिससे कि और स्मूथ हो जाएगा, पूरा GT रोड की तरह बनाया जाएगा इसको। आगे में देखिए ये यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है जो डाल्टनगंज का रोड है उसको पार करने के लिए, और एक ओवर ब्रिज अंबिकापुर वाले रोड में भी बनाया जा रहा है, और एक ये डाल्टनगंज जो रोड है गढ़वा से गया हुआ उसको के उसके ऊपर भी एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि ऊपर से गाड़ी बाईपास का गाड़ी जा सके और नीचे से ये जो डाल्टनगंज जाने वाली गाड़ियां हैं उससे पार किया जा सके। ये जी देखिए जो सामने आप देख रहे हैं ये ओवर ब्रिज के लिए जो नीचे में दीवार टाइप का दिया जाता है उस ये वो है, और आगे में देखिए ओवर ब्रिज, यहाँ पे और ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, और ये पुल एक नदी है उसके ऊपर पुल भी बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई इसका बनाया गया है। यहाँ पे इस तरह का मशीन जो आधुनिक अत्याधुनिक मशीन काम कर रहा है, आप ये देख सकते हैं इधर में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के अत्याधुनिक मशीनों से यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो इसे रोलर बोला जाता है शायद, लेकिन इसमें प्रेशर इतना है, इतना प्रेशर कि ये आप देख सकते हैं छोटा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये इस रोड को पूरा दबा दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डाल्टनगंज गढ़वा से डाल्टनगंज रोड गया है वहाँ पे एक ये ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से आप पीछे में कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये जो ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है उसका मैं आपको बता दूं कि ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये साइड वाला ब्लॉक है, जो ओवर ब्रिज के साइड में रहता है वो ब्लॉक है, और इसके नीचे में मिट्टी भरा हुआ है, लगभग आपको 20 या 30 फीट मिट्टी भरा गया है, और उसके साइड में ब्लॉक लगाया गया है। इसी तरह से ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, और ये कंस्ट्रक्शन अभी आधा हुआ है, ओवर ब्रिज का अभी फुल हो रहा है, शायद ब्लॉक मशीन से ब्लॉक लगाया जा रहा है उठा करके, और ये अभी इसको पूरा फिनिशिंग दिया जा रहा है, और इसको कुछ उस तरह से यहाँ पे ढलाई भी किया जा रहा है, जो ब्लॉक लगाया गया है उसके साइड में उधर ढलाई भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और भी कुछ आपको दिखाते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों इसका सपाट देख सकते हैं आप, जो आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं कितना सपाट बनाया गया है, बिल्कुल फील्ड की तरह एकदम ग्राउंड लग रहा है, जैसे कि पूरा ग्राउंड बना हुआ हो उस तरह से इसको बनाया गया है, और बहुत ही चौड़ा। और आप देख सकते हैं सामने में कि जो ओवर ब्रिज का ब्लॉक है यहाँ पे ईंट छोड़ है, और ये आधा भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, और धीरे धीरे इसको कंप्लीट किया जा रहा है। और इसका जो ओवर ब्रिज है बहुत ही ऊंचा और बहुत चौड़ा बनाया जा रहा है, लगभग ये 150 150 फीट का होगा, और 50 फीट बाएं साइड और 50 फीट दाएं साइड रोड रास्ता के लिए नीचे में छोड़ा जा रहा है जो ओवर ब्रिज है उसके। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि जो गढ़वा का बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन है वो पलामू के लगभग 5 जिलों 5 गांवों से और बाकी के गांव जो है गढ़वा जिले से बिलोंग करते हैं उसमें बनाया जा रहा है। लगभग इसमें इस बाईपास के कंस्ट्रक्शन से दोस्तों मैं बता दूं कि जो रांची तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, या फिर उधर छत्तीसगढ़ जाने वाली गाड़ियां हैं, या फिर उत्तर प्रदेश जाने वाली गाड़ियां हैं, उनको अब दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको जाम से निजात मिलेगी, और ट्रैफिक
बिल्कुल आसान हो जाएगा और आसानी से वे उत्तर प्रदेश से झारखंड और झारखंड से बिहार और बिहार से छत्तीसगढ़ ये ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों और कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो गढ़वास डाल्टनगंज रोड गया है रांची तरफ, जो NH 75 में उसमें बनाया जा रहा है जो ओवर ब्रिज, उसको पार करने के लिए कुछ यहाँ पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से इस ओवर ब्रिज को बनाया जा रहा है, किस प्रकार से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कितने तरह के अत्याधुनिक मशीन लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे वर्कर मिल गए, उनसे बात थोड़ा सा कर लेते हैं, दो सब पूछ लेते हैं कि क्या है। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे वह जो अभी ओवर ब्रिज ये बन रहा है, अभी लगता है कि आधा काम हुआ है, उसे किस प्रकार बनाया जा रहा है, क्या क्या कौन कौन सी मशीनें काम करता है और किस प्रकार से बनाया जा रहा है? इसमें पहला नंबर है क्या, इसमें पहले आरी पिलन खड़ा किया जाता है, उसके बाद मिट्टी भरा जाता है। आरी पिलन खड़ा करने के बाद उसमें मिट्टी भरा जाता है, उसके बाद उसमें बेल्ट लगाया जाता है। बेल्ट लगाने के बाद फिर से मिट्टी डाल के फिर से उस पर रोलर किया जाता है। और कई तरह के मशीन चलते हैं, ग्रेडर वगैरह जो भी है, ग्रेडर, पोपलेन, JCB, ये सब चलते रहते हैं। फिर उसके बाद पुल तैयार होने के बाद फिर उसमें ऊपर से फ्रिक्शन स्लिप बैठाया जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रेकर। हाँ, उसके बाद तो इसके ऊपर है ना मिट्टी डाल के पूरा रोलिंग करके सही तरह से रोलिंग करने के बाद फिर से ऊपर से फ्रिक्शन स्लिप बैठाया जाता है साइड में, जो कि उसका ब्रेकर का काम करता है। और ये जो साइड में जो ये लगाया जा रहा है क्या है ये? ये जो साइड में लगाया गया यही है ब्रेकर, इसको बोला अच्छा जाता है आरी पैनल। ये फ्रिक्शन स्लिप जो कि अच्छा गाड़ी टच करेगा इसमें तो गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, अच्छा इसी के लिए ये रुकावट के लिए दिया जाता है। और जो ये रोड बनेगा, जो हाँ अभी यहाँ पे रोड बनेगा, वो कितना ऊपर तक जाएगा इस रोड? ये अभी जाएंगे, अभी फ्रिक्शन स्लिप जो बैठा हुआ है ये वाला, इससे अभी आपको जाएंगे 300 mm ऊपर, अच्छा, 300 mm 300 mm ऊपर, वहाँ से आपका जो दिख रहा है हॉल का, और वहाँ से आपका रोड बनेगा। और ये रोड आपका है गढ़वा वाला, एक साइड 2 लाइन 4 लाइन का रोड बन रहा है। अच्छा, ये जो ओवर ब्रिज 4 लाइन का बन रहा है, हाँ 4 लाइन का बन रहा है, 2 लाइन 2 लाइन का है। और नीचे में जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, नीचे जो अपना सर्विस रोड है अच्छा, लोकल लोग आने जाने के लिए, वो सर्विस रोड बोला जाता है उसको, जैसे जिसको ग्रामीण आ गया नज़दीक तो वो अपना सर्विस रोड से क्रॉस करके निकल सकते हैं। अच्छा भैया आप ये बताइए कि जैसे वहाँ पे जो मशीन काम कर रही है अभी, तो ये कितना मने समय में तैयार हो जाएगा टोटल कंप्लीट, ये ओवर ब्रिज फिनिश हो जाएगा? ये फिनिशिंग इस महीने तक में ये इस साइड हो जाएंगे, और उस साइड में लमसम अभी लग जाएंगे 2-4-5 महीने और, अगर काम बराबर चल गया तो। अगर बारिश हो गया तो फिर बारिश की वजह से काम नहीं चल पाएंगे तो साल भी लग सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप लोग काम करते रहिए और फिनिशिंग देते रहिए इस ओवर ब्रिज का। हम लोग आए थे यही जानने के लिए। और दोस्तों हम वर्कर से बात कर रहे थे, मुझे बात करके अच्छा लगा और ये कुछ जानकारियाँ दिए, आप सबों को भी समझ में आया होगा। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, कुछ और आपको दिखाते हैं और कुछ और बताते हैं।